वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर पे मैं आप लोगों के साथ में अपनी बुलेट 350 की जो अच्छाइयां हैं और जो बुराइयां हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ पे शेयर करूंगा। तो गाइस, हर बाइक के अंदर पे ना कुछ कमी होती है और बुलेट लिए मुझे करीबन कुछ नहीं तो 2-3 महीने अराउंड हो चुके हैं और 2-3 महीने के अंदर पे मुझे जो इसकी अच्छाई है और जो बुराइयां है वो अच्छे से पता लग चुकी है। वैसे तो यार मैं नहीं मानता कि आप लोगों को 2-3 महीने लगते होंगे कोई बाइक की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जानने की, अगर आप लोग उसे ओन करते हो तो। मेरे हिसाब से तो 15-20 दिन बहुत होते हैं एक बाइक को जज करने के लिए। और मैंने ना स्टैंडर्ड 350 को करीबन कुछ नहीं तो 1000 किलोमीटर राइड भी कर लिया हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ पे ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज की वीडियो के अंदर पे आप लोगों के साथ पे शेयर करूँगा। तो भाई, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को यहाँ का जो व्यू है वो चेकआउट करवाता हूँ। मैं अभी आया हूँ हमारे छिंदवाड़ा में, एक जगह है कारावो डैम करके, पीछे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। अगर आप लोग यहाँ पे विज़िट करना चाहो तो बिल्कुल विज़िट कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री की कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। एक अच्छा यहाँ पे घूमने का जो पॉइंट है वो बना, मैं आप लोगों को अभी रियर कैमरे से चेकआउट करवाता हूँ, तो आप लोग ये वाइड एंगल से जो लुक है वो चेकआउट कीजिए। और अभी हमारे साथ में मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है हिमांशु, तो अभी ये खड़ी हुई है अपनी स्टैंडर्ड 350। तो गाइस, मैं आप लोगों को सच बताऊं तो स्टैंडर्ड 350 के अंदर पे ना अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयां हैं। अब मैं वो आप लोगों को इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, अगर मेरे पास में क्या पहले RS भी रह चुकी है, आप लोगों को पता है, अगर मेरे पास में पहले ना स्टैंडर्ड आई हुई होती तो मेरे लिए यही एक परफेक्ट बाइक होती, पर लेकिन मैंने ना इससे एक ऊपर सेगमेंट की बाइक को राइड किया हूँ और जो RS 200 का जो सेगमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा अलग था। मतलब वो एक स्पोर्ट्स बाइक है और ये कम्यूटिंग बाइक है, तो इसके अंदर पे ना गाइस वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है जो RS के अंदर पे है, आप लोगों को तो पता ही है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन अपनी बुलेट की बुराइयों से। तो गाइस, इसके अंदर पे जो मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है वो गाइस इस बाइक की वाइब्रेशंस। बुलेट के अंदर पे ना यार इतनी वाइब्रेशन है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये बाइक 40-50 के बाद में एकदम ट्रैक्टर बन जाती है, आप लोगों को पूरा वाइब्रेट करने लगेगी, आप लोगों के जितने भी जो फुट पैक्स वगैरह है और जो हैंडल वगैरह है वो पूरा वाइब्रेट करने लगता है। इसके कारण गाइस इस बाइक को ना मुझे 40-50 से ऊपर ले जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। वैसे तो यार बुलेट एक ऐसी बाइक है आप लोग उसको शान से लेकर के चलो, पर लेकिन यार आप लोगों को पता है कि इसके पहले ना मेरे पास में RS रह चुकी है, तो RS जो है वो काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड जो है वो अचीव कर लेती थी विदाउट एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन। वैसे तो यार ये BS6 इंजन है, इसमें उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, पर लेकिन क्या करें, बुलेट तो बुलेट ही रहेगी। अपन बात करते हैं इसकी दूसरी कमी की, वो है गाइस इसकी स्पीड। इसकी जो टॉप स्पीड है ना, मैं आप लोगों को बताऊँ 100-120 गाइस मुश्किल से जाती है, और 100-120 जाने के बाद में ना पूरी ट्रैक्टर बन जाती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो अगर आप लोग इसको जो है वो टॉप स्पीड के कारण से अगर लेने की सोच रहे होंगे भगाने वगैरह की, तो ये बाइक उस लायक बनीच नहीं है। अब गाइस बात करते हैं अपन इसकी तीसरी कमी की, वो है गाइस इसके अंदर पे ना स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप लोग इसको जब वो 30-40 की स्पीड पर रन करो तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एकदम रोड पर पकड़ के चलती है बाइक, पर लेकिन जैसे ही अगर आप लोग इसको 50 से क्रॉस करते हो ना तो ये जो बाइक है ना बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहती है, एकदम रोड छोड़ने लगती है। और अगर अपन बात करें इसकी चौथी कमी की, तो गाइस इस बाइक के अंदर पे ना एक बहुत बड़ी कमी है, वो है इसके टायर्स। फ्रंट टायर तो यार ठीक है, फ्रंट टायर की जो ग्रिप है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, और गाइस इसका जो रियर टायर है ना वो इतना ज़्यादा पतला है, आप लोग चेकआउट करो कितना पतला है, आप लोग देखो ना। और ये एक 350cc की बाइक है, तो गाइस 350cc की बाइक के हिसाब से ना ये जो टायर है वो बहुत ज़्यादा पतला है। सो गाइस, अपन बात करते हैं इसके 5वें डिसएडवांटेज की, जो है गाइस इसके अंदर पे ना आप लोगों को जो 350cc का इंजन मिलता है आप लोगों को पता है, पर लेकिन उस हिसाब से ना इसके अंदर पे आप लोगों को पावर नहीं मिलती है। 19 या 18 BHP की समथिंग आप लोगों को इसके अंदर पावर देखने को मिलती है, जो कि एक 350cc के अगर अपन अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। तो मुझे ना इसके अंदर पावर की कमी लगती है। अगर मेरे पास में अगर RS नहीं होती तो गाइस ये बाइक अगर मैं राइड करता तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, पर लेकिन RS राइड करने के बाद में अगर मैं ये राइड करूँगा तो यार फिर मुझे जो है वो थोड़ी कमी तो लगेगी, क्योंकि उसके अंदर पे ना 24 या 25 BHP आप लोगों को देखने को मिलती थी। गाइस अपन बात करते हैं इसकी छठवीं बुराई की, तो गाइस इस बाइक के अंदर पे ना पर्सनली मुझे जो एक सबसे बुरी चीज़ लगती है वो गाइस इस बाइक के अंदर पे ना फ्यूल मीटर नहीं दिया हुआ है। अगर आप लोगों को पता लगाना है कि अपनी बाइक पे कितना पेट्रोल है तो यार वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फिर वो आप लोगों को कैप खोलना पड़ेगा और टंकी को हिला करके देखना पड़ेगा कि अपनी बाइक में कितना पेट्रोल है, तो वो चीज़ ना यार बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। तो यार कम से कम कंपनी को ना इसके अंदर पे फ्यूल मीटर तो देना ही चाहिए था। वैसे तो गाइस कंपनी ने यहाँ पे एक फ्यूल आइकन दिया है, जब पेट्रोल कम रहता है तो ब्लिंक करने लगता है, पर लेकिन यार वो ना एक सही सॉल्यूशन नहीं है, वो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक जुगाड़ करके दिया है। वैसे तो यार अगर अपन एक रईसी वाली बात करें तो बुलेट के अंदर पर ना पेट्रोल की कमी नहीं होना चाहिए, पर क्या करें।
रॉयल इनफील्ड वाले तो रॉयल इनफील्ड वाले च रहेंगे। मैं कितना भी इस बाइक की बुराई बता दूं आप लोगों को, ये जो बाइक है ना वो बिकना ही है। आप लोग सोचो ना ये बाइक कितने साल पहले लॉन्च हुई थी और आज भी इसका जो डिज़ाइन है वैसा का वैसा ही है, और आज भी गाइस इस बाइक को ना पब्लिक लेती है। कोई ना कोई बात तो होगी ना गाइस गाड़ी के अंदर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपन अपनी बुलेट की अच्छाइयों की। तो गाइस इसके अंदर पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो गाइस इस बाइक का कलर। स्टैंडर्ड 350 के अंदर पर ना आप लोगों को सिर्फ एक यही कलर देखने को मिलता है, और गाइस पर्सनली ये जो कलर है ना वो मेरा फेवरेट है। आप लोग देखो ना यार ब्लैक कलर में ये बाइक क्या तो जचती है। आप लोग देखो इस बुलेट के अंदर पे ना आप लोगों को हैंडमेड आइकॉनिक लाइंस मिलती है जो कि हैंड पेंटेड होती है, और अपने को सिर्फ और सिर्फ बुलेट के अंदर पे ही देखने को मिलती है। अगर आप लोग स्टैंडर्ड एक्स वगैरह ले लो तो यार वो बेकार लगती है मुझे पर्सनली। तो गाइस सबसे जो अच्छी चीज़ है वो मुझे इसके अंदर पे यही लगती है। अपन बात करें गाइस इस बाइक की दूसरी अच्छाई की, तो गाइस इस बाइक के अंदर पे ना आप लोगों को बहुत तगड़ा टॉर्क देखने को मिलता है। आप लोग बोलो ये पहाड़ चहकाना है, ये बाइक एकदम आसानी से चहक जाएगी, इतना पावरफुल अपने को टॉर्क देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर पे। और अपन बात करते हैं इसके थर्ड एडवांटेज की या फिर अच्छी चीज़ की, तो गाइस इस बाइक की जो फील है ना वो एकदम अलग ही है। इस बाइक को राइड करने का फील जो है वो अलग ही है। आप लोग इस बाइक को लेके निकलो आप लोगों को मार्केट में ना एक अलग ही फील देखने को मिलेगा। और गाइस इसका जो डुक डुक वाला साउंड है ना मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो इसकी फोर्थ अच्छाई है वो है गाइस इस बाइक का साउंड। इस बाइक का जो साउंड है ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को जो बुलेट की डुक डुक है वो कैसी लगती है। पर्सनली गाइस मेरी तो फेवरेट है। अगर आप लोग स्लो चलने के लिए ले रहे हो तो इस बुलेट से बढ़कर फिर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और गाइस बहुत सारे लोग जो है वो इस पर एग्जॉस्ट वगैरह भी चेंज करते हैं, पर लेकिन गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग इसके अंदर पे जो एग्जॉस्ट वगैरह है वो इंस्टॉल करवाओ। इसके अंदर पे जो मुझे पांचवी अच्छी चीज़ लगती है वो गाइस इसकी ब्रेक्स। BS6 बुलेट के अंदर पे ना गाइस कंपनी ने ना इसके अंदर पे ABS दे दी है और फ्रंट डिस्क ब्रेक, जिसके कारण इस बाइक की जो ब्रेकिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। वो तो गाइस BS6 नॉर्म्स आ गए जिसके कारण कंपनी ने इसके अंदर पे डिस्क ब्रेक दे दिया, वरना गाइस रॉयल एनफील्ड वाले तो देने की फिराक में ही नहीं थे। इस बात करते हैं मेरे सबसे प्यारे एडवांटेज की इस बाइक की, मतलब कि सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इस बाइक के अंदर पे वो है गाइस इस बाइक का जो माइलेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊं तो गाइस इस बाइक का जो माइलेज है ना, जो कि मुझे लगता है ये बाइक मुझे कुछ नहीं तो गाइस 40 से 45 का माइलेज आराम से दे देती है गाइस हाईवे के अंदर पे। आप लोग यकीन नहीं करोगे पर लेकिन इस बाइक का जो माइलेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोग सोचो ना आप लोग 350cc की बाइक राइड कर रहे हो और वो आप लोगों को 45 से 40 का माइलेज निकाल करके दें, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। इसके अंदर पे जो मुझे अगला एडवांटेज लगता है वो है गाइस इस बाइक का राइडिंग कंफर्ट। इस बाइक का ना एक अलग ही राइडिंग कंफर्ट है। आप लोग कितने भी किलोमीटर अपनी बाइक को लेकर के चले जाओ आप लोग को बिल्कुल भी जो थकान वगैरह है वो नहीं होगी। इस बाइक का जो अगला एडवांटेज है जो कि गाइस पर्सनली मेरा फेवरेट है, इस बाइक को ना आपके पापा भी राइड कर सकते हैं, इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी यार। जो बाइक आप राइड करते हो वो आपके पापा भी राइड कर सकते हैं। अगर सेम अगर मेरे पास में ना इसके पहले RS 200 थी, तो गाइस उस पर जो है वो पापा कभी कभार थोड़ा लेके चले जाते थे, तो गाइस बाइक जो है वो उन अंकल लोगों पर ना यार काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। आप लोग कभी देखना, पर लेकिन ऐसी बाइक ना अंकल लोगों पर काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। और गाइस मेरे पापा पे तो अगर मैं आपको बताऊँ तो गाइस ये जो बाइक है ना बहुत ज़्यादा जचती है। पापा मम्मी ना आप लोगों से एकदम खुश रहेंगे ये बाइक लेने के बाद में। और हाँ मुझसे ना गाइस इस बाइक की जो है वो एक कमी और छूट रही है। अगर आप लोगों की हाइट जो है वो 5'5" है, फिर 5 फिट से थोड़ी कम है, तो गाइस आप लोगों को हैंडल करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं तो रुकना एक मिनट हिमांशु, एक मिनट भाई इधर आना, मेन स्टैंड लगा सकता है गाड़ी में। तो हिमांशु की हाइट होगी करीबन कुछ नहीं तो 5'5" होगी ना तेरी हाइट। अभी आप लोगों को हिमांशु बाइक का मेन स्टैंड लगा करके दिखाएगा। तो गाइस आप लोग देखना कि जिनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है उनको गाइस बाइक हैंडल करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो रहा भाई। तो आप लोग देखो जिनकी हाइट थोड़ी कम है ना उनको जो है वो बाइक को हैंडल करने में दिक्कत जाती है। सो गाइस जिनकी हाइट थोड़ी कम है ना वो पहले आप लोग एक बार बाइक को जो है वो राइड करके टेस्ट कर लीजिएगा कि आप लोग बाइक पर कंफर्टेबल हो कि नहीं। पहले आप लोग राइड कर लीजिएगा, देन अगर आप लोगों को सूट होती है तो आप लोग बिल्कुल लीजिएगा। स्टैंडर्ड 350 एक बहुत प्यारी बाइक है। वैसे तो यार गाइस अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर चीज़ में होती है, पर लेकिन मेरे हिसाब से तो गाइस ये बाइक के अंदर में थोड़ी ज़्यादा बुराई है, क्योंकि इसके पहले ना अपने पास में RS 200 थी, उसका सेगमेंट तो यार आप लोगों को पता है एकदम अलग ही है। बाकी गाइस धीरे धीरे मैं ना इस बाइक को अडॉप्ट कर रहा हूँ और मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी ये बाइक। तो यही था गाइस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में स्टैंडर्ड 350 के अंदर पे जितनी भी जो अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं जो कि पर्सनली मुझे लगती है वो सब मैं आप लोगों के साथ पे शेयर किया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स पे गाइस अपना जो प्यार है वो भर भर के दिखाइएगा।
बाकी गाइज अगर मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 350 का एक सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊं तो वो है गाइज इस बाइक के अंदर पे जो मॉडिफिकेशंस हो सकती है ना वो कोई और बाइक में नहीं हो सकती है। स्टैंडर्ड 350 मॉडिफाइड होने के बाद में ना यार एकदम अलग ही लगती है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना कि आप लोगों को जो मॉडिफाइड बुलेट है वो कैसी लगती है। तो चलिए गाइज तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टिल देन बाय गाइज। और गाइज अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई हो तो गाइज मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय, हिमांशु बाय बोल दो। बाय भाई बाय। और हमारे साथ में एक छोटा सा फ्रेंड भी आ गया है, बाय बोल दो भाई। बाय बाय।